केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा खेल सेवाएं मंत्री अनुराग ठाकुर के हमीरपुर दौरे को लेकर जिला भाजपा ने कमर कस ली है। अनुराग ठाकुर के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला में आने को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। अनुराग ठाकुर 22 और 23 अगस्त को हमीरपुर जिला में आशीर्वाद रैली के माध्यम से जनता से रूबरू होंगे, जिसके लिए भाजपा ने तैयारियों को अंतिम अंजाम दिया जा रहा है। जिला भाजपा के द्वारा जिला भर में जगह जगह बड़े होल्डिंग्स और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, जिला मुख्यालय के अलावा पांचों विधानसभा क्षेत्रों बड़सर, नदौण, सुजानपुर, भोरंज में भी स्वागत की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, ताकि केंद्रीय मंत्री के स्वागत में कोई कसर नहीं रह जाए। जिला महामंत्री अभयवीर लवली ने बताया कि अनुराग ठाकुर के स्वागत के लिए हमीरपुर जिला भाजपा के द्वारा भव्य तैयारियां की जा रही हैं और जगह जगह पर पांचों विधानसभा क्षेत्रों में होल्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला पहुँच रहे हैं, इसलिए स्वागत में कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए सभी तैयारियाँ की जा रही हैं। देखिए जी, अनुराग सिंह ठाकुर पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। पूरा हमीरपुर भाजपा इसमें उनके सफल कार्यक्रम कराने में लगी हुई है। 23 तारीख सुबह 11 बजे गांधी चौक पे भारी जनसभा होगी, उसके बाद वो बाया बड़सर होके उन्ना निकलेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे हमीरपुर हिंदौन विधानसभा क्षेत्र में हर जगह उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद अगले दिन 23 तारीख भोरंज की विधानसभा क्षेत्र के 3-4 जगहों पे उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सुजानपुर के 4-5 क्षेत्रों में उनका स्वागत किया जाएगा। पूरी भाजपा इसकी तैयारियों में लगी हुई है। इसके लिए आपने देखा भी होगा कि पूरा हमीरपुर सजा हुआ है, हर जगह होल्डिंग लगे हुए हैं। हमीरपुर तो बाजार है, यहाँ पर तो होल्डिंग लगे हुए हैं, लेकिन पूरे हमीरपुर के हर एक विधानसभा क्षेत्रों में होल्डिंग लगे हुए हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर युवा लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने पहले भी काफ़ी काम किया युवाओं को लेकर, तो युवाओं में काफ़ी गर्मजोशी है अनुराग सिंह ठाकुर के इस दौरे को लेकर। जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने बताया कि 23 अगस्त को सुबह आशीर्वाद रैली के दौरान गांधी चौक पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही आशीर्वाद रैली के अंतिम पड़ाव में बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लोग जगह जगह पर स्वागत करेंगे और उसके उपरांत ये रैली ऊना जिला में प्रवेश कर जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अनुराग ठाकुर हमीरपुर जिला आ रहे हैं। ये हमीरपुर के लिए बड़े फख्र की बात है कि हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना स्थान बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके आने पर हमीरपुर में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी और जगह जगह पे स्वागत के लिए तैयारियां हो रही हैं। हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी नए दायित्व संभालने के पश्चात प्रथम बार हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, अपनी लोकसभा के अंदर आ रहे हैं, हमारे ज़िले के अंदर आ रहे हैं, तो पूरे ज़िला में बहुत खुशी की लहर इस वक्त देखी जा रही है। सारे का सारा संगठन जो उनके समर्थक हैं, उनको चाहने वाले हैं, इवन हमीरपुर का बच्चा बच्चा उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए तैयार बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है कब वो घड़ी आएगी, अनुराग जी यहाँ पहुँचेंगे और हम उनका एक भव्य स्वागत अभिनंदन यहाँ पर करेंगे। अनुराग जी 22 तारीख को हमीरपुर ज़िले के नदौण विधानसभा क्षेत्र के कोहला से हमीरपुर जिला में आएंगे और उस दिन वहीं पे ही सबसे पहले तो जिला भाजपा उनका स्वागत करेगी और नदौण मंडल उनका स्वागत करेगा। उसके पश्चात नदौण में जगह जगह उनके स्वागत रखे गए हैं। शाम को वो हमीरपुर पहुंचेंगे, अगले दिन वो आवाज़ देवी मंदिर मत्था टेकने जाएंगे, उसके बाद भोरंज विधानसभा और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय कार्यकर्ता जगह जगह पर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। तत्पश्चात वे गांधी चौक में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें वे जन जो कि उनकी यात्रा का नाम भी है जन आशीर्वाद यात्रा, उसी यात्रा के तहत वो गांधी चौक की रैली में जनता का आशीर्वाद लेंगे, हमीरपुर के जिला के लोगों का आशीर्वाद लेंगे। उसके पश्चात वे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में से होते हुए जहाँ पर भी उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा ऊना जिला में प्रस्थान कर जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनने के बाद पहली बार हमीरपुर जिला आ रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को लोग बधाइयां देने के लिए इससे पूर्व में दिल्ली जा रहे थे। आशीर्वाद रैली 20 अगस्त को परमाणु से शुरू होगी और चारों संसदीय क्षेत्रों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से गुजरती हुई जिला ऊना में 23 अगस्त को सम्पन्न होगी।